व्हाट्स अप राइडर्स, दिस इज आईस्टार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, खुशखबरी है कि फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है एंड द क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, R15V3 का जो इंटरनेशनल मॉडल होता है उसका जो फ्रंट फोर्क होता है वो अपसाइड डाउन होता है और गोल्ड कलर का होता है। हालांकि जो इंडियन मॉडल है उसमें ऐसा कोई खूबी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना कम से कम इसके जो फ्रंट फोर्क होता है उसको गोल्ड कलर में रैप कर दूँ। तो मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया था रैप, जो कि गोल्ड कलर का है, क्रोम गोल्ड कलर का, और उसको मैं रैप करने जा रहा हूँ अपने बाइक के फ्रंट फोर्क को। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा प्रोडक्ट है और कहाँ से मैंने मंगाया और इसके लिए मुझे कितने पैसे चुकाने पड़े। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको अपनी बाइक के फ्रंट फोर्क में अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपकी बाइक का लुक कैसा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड गाइस, ये वो रैप जो गोल्डन कलर का है, क्रोम गोल्ड, जिसको मैंने अमेजोन से मंगाया था और ये मुझे पड़ा करीब 350 रुपये का। अगर आप ये बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। तो आइए इसको खोलते हैं। तो ये फाइनली गाइस वो रैप जो कि गोल्डन कलर का है, क्रोम गोल्ड है ये, और इसकी जो विड्थ है वो 12 इंच की है और जो इसकी हाइट है वो 24 इंच की है, यानी कि 12x24 इंच का ये टोटल मेजरमेंट है। एंड गाइस, ये वो फाइनल प्रोडक्ट यानी कि क्रोम गोल्ड कलर का रैप, और जिसको मैं रैप करूँगा अपनी बाइक R15V3 के फ्रंट फोक्स को। जैसा कि आप जानते हैं, जो इसका इंटरनेशनल मॉडल होता है उसका फ्रंट फोक्स गोल्ड कलर का होता है और अपसाइड डाउन होता है। तो अपसाइड डाउन तो नहीं हो सकता, बट मैं ट्राई करूँगा कि जो फ्रंट फोक्स हैं उसको गोल्ड कलर में रैप करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस को। अगर आपको फ्रंट फोक्स को रैप करना है तो सबसे पहले आपको इस मडगार्ड को निकालना पड़ेगा, और उसके लिए ये एलन की मदद से और यहाँ पे 10 नंबर के स्पैनर की मदद से इसको ओपन करना पड़ेगा। और इसी तरह के दो नट अपोजिट साइड में होंगे, उनको भी ओपन करके आप इस मडगार्ड को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिमूव करते हैं इसके मडगार्ड को। तो ये मैंने 4 बोल्ट्स मैंने रिमूव कर दिए हैं, ये 2 बोल्ट एलन की मदद से और ये 10 नंबर के स्पैनर की मदद से। इसके बाद आप आसानी से अपने फेंडर को इस तरह से निकाल सकते हो। ये देखिए, बड़ी इजीली निकल गया। अब आप इसको आसानी से रैप कर सकते हो। तो मैं करने जा रहा हूँ रैप। इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, और मैंने एक कट पीस निकाल लिया इसका, वो इसके अकॉर्डिंगली है। अभी मैं इसको इसमें स्टिक करने जा रहा हूँ। एंड फाइनली गाइस, रैपिंग हैज बीन डन, और आप देख सकते हैं मैंने ऊपर भी रैप किया है और स्ट्रेट वे नीचे भी मैंने रैप किया है। तो आप देख सकते हैं, और रैपिंग हो जाने के बाद अगेन आप अपने फिंडर को सेम लगा सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। तो लेट्स सी द सिनेमैटिक शॉट ऑफ दिस R15। रैपिंग हैज डन, और आप देख सकते हैं बाइक कैसी लग रही है। मैंने आपको इसका सिनेमैटिक शॉट्स दिखाया, होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि बाइक कैसी दिख रही है। विद दैट सेड गाइस, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड दिस इज संजय फ्रॉम राइडिंग स्टार साइनिंग ऑफ।